हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। आज के वीडियो में देखेंगे छोटे से ब्लाउज पर डिज़ाइन करने के लिए। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बिगिनर्स को टारगेट करते हुए आज का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस ब्लाउज के चेस्ट साइज़ की। तो इसको हम देखते हैं, ये बहुत ही कम चेस्ट साइज़ का ब्लाउज है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है लगभग 7.5 इंच का, मतलब 31 इंच चेस्ट साइज़ है इसका। बात करें ब्लाउज की लंबाई की, तो लंबाई भी इसका बहुत ही कम है। ये जो लंबाई आप देख पा रहे हैं, 12.5 इंच इसकी लंबाई है, पूरा मार्जिन वगैरह इंक्लूड करके, मतलब ये आएगा तैयार में 11.5 इंच। तो ये है बैक साइड का पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं गले की कटिंग की। तो यहाँ पर गले का जो निशान हम लगाएंगे, ये ऊपर निशान लगेगा 2 इंच पर। और ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी छोटे साइज़ का ब्लाउज हम बनाते हैं, चाहे डिज़ाइन वाला हो या सिंपल हो, इस तरीके के छोटे साइज़ वाले ब्लाउज में 2 इंच का ही गला लेना है, बड़े साइज़ों में 2.25 इंच का, जब हम डीप नेक बनाते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखते हैं गले की जो गहराई हमें लेनी है, वो लेंगे हम 9 इंच का। तो ये 9 इंच पर हम लगाएंगे ये निशान। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये वाला जो निशान है, ये हम लगाएंगे 2.5 इंच का। तो ब्लाउज छोटा है, इसलिए सभी मेज़रमेंट यहाँ पर कम कम लिए जा रहे हैं। उसके बाद इन्हीं निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे, स्केल की मदद से या फिर टेप से ही, इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हैं। और उसके बाद देंगे यहाँ पर राउंडिंग शेप। तो ये जो राउंडिंग शेप है, ये हम इस तरीके से देंगे। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो इसमें डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ खासा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक होल तैयार करेंगे और 2 लेस लगाएंगे गले पर पाइपिंग। तो ये कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे गोल गले की कटिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल आरडी बुटीक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो वहाँ के भी वीडियोस आप लोग देखिए। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो वो जो लेस हमें लगाना है, उसके लिए सबसे पहले मार्किंग देखते हैं। तो ये इस तरीके से करेंगे, ये देखिए, जिस प्रकार से डॉटेड लाइन से मैं आप लोगों को मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ताकि क्लियरली समझ में आए। आर्म होल पे जा करके मिलेगा सेंटर पे, ये ऐसे, ये पहली लाइन हो गई। इसके बाद जब हम आते हैं दूसरी लाइन पे, तो यहाँ पर गेपिंग रख लेना है कम से कम 1.25 इंच का, 1.5 इंच भी आप रखेंगे तो चलेगा। तो ये इस तरीके से आपको 2 निशान लगाने हैं। इसके ऊपर में हम लेस लगाएंगे, और किसी भी तरह से मेहनत वाला यहाँ पर डिज़ाइन नहीं करना है हमें। अब इसको करते हैं ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे, तो हम ये जो निशान आप देख पा रहे हैं, इसको प्रिंट करेंगे ये इस साइड। तो ये बस इतना करना है आपको। और इतना करने के बाद, इसके बाद हम करेंगे एक बकरम का यूज़। बकरम किस लिए, होल बनाने के लिए। तो ये इस प्रकार से हम एक बकरम रखते हैं, और कपड़े के हिसाब से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कपड़े के हिसाब से मार्किंग करें बकरम का। और ये होल इस तरीके से हम बकरम पे बना लेंगे। कपड़े पर भी कर सकते हैं, कागज़ पर भी कर सकते हैं इसको। मैंने बकरम के हिसाब से इसको बता दिया है, क्योंकि बकरम थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसमें आप आसानी से होल बना सकते हैं। ये देखिए, अब ऐसा कटिंग करने के बाद, तो यहाँ पर देखिए ये होल हमने कर दिया। होल करने के बाद अंदर पे जो पीस निकला हुआ है, ये वाला, इसका हम यूज़ करेंगे, और इसको एक पैच के रूप में यहाँ पर फिट करेंगे। पैच की तरह इसको लगाएंगे, बकरम को नहीं लगाना है, कपड़े को लगाएंगे, लेकिन बकरम पे साइज की कटिंग करनी है। तो अभी इस पैच को यहाँ से हटाते हैं। सबसे पहले गले पर डोरी पाइपिंग लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है डोरी पाइपिंग लगाना, गोल पाइपिंग भी लगा सकते हैं, और दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, गोल पाइपिंग और डोरी पाइपिंग का। आपको जो पाइपिंग पसंद है, आप देख करके लगा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को पाइपिंग लगाना आ गया होगा। अभी तक मैंने बहुत से वीडियोस दोनों चैनल पर डाल रखे हैं पाइपिंग से रिलेटेड, और जो सबसे अच्छे वीडियोस हैं, जिनमें मैंने बारीकी से समझाया, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पाइपिंग यहाँ पर पूरा फिट कर दिया है। बस यहाँ पर छोटा सा टिप्स ध्यान में देंगे, ये जो पाइपिंग है, लगने के बाद कहीं कहीं पर उठा हुआ दिखता है, खासकर गुलाई वाले हिस्से पर। तो ये रस्सी जो है, जो डोरी पाइपिंग की रस्सी होती है, इसको हल्का सा हम खींचेंगे। खींचते वक्त सेंटर को दबा के रखना है,
देखिए एक साइड का पूरा दब गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा साइड है ये भी उठा हुआ दिख रहा है। इधर से भी जब हम खींचेंगे तो ये भी पूरा बराबर बैठ जाता है। तो ये इस तरीके से आप डोरी पाइपिंग लगाएंगे और वहाँ पर जो एक्स्ट्रा रस्सी निकल के आती है उसको आप काट देंगे। तो ये एक छोटा सा टिप्स था डोरी पाइपिंग जो गोलाइयों पर उठा हुआ दिखता है उसको सुधारने का। ये बात सभी लोग नहीं जानते इसलिए मैंने इसको बता दिया। बाकी डोरी पाइपिंग लगाने में अगर आपको परेशानी है तो जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक चेक कर सकते हैं। अभी अब बात करते हैं लेस और पैच वर्क की। तो सबसे पहले लेस लगाने के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लेस लगाएंगे पतला वाला। ये जो लेस है जो निशान हमने लगा रखा है उसी के ऊपर लगाना है। तो ये दो लाइन की लेस लगेगी। आप चाहें तो अच्छा वाला लेस लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल लेस आप लोगों को लगा करके दिखा रहा हूँ। जितना अच्छा लेस आप लगाएंगे उतना ही ये डिज़ाइन आपको बेहतर नज़र आएगा। तो आप लोग लेस को थोड़ा सा देख करके लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए इस डिज़ाइन का पैटर्न बनाने के लिए इस लेस को लगा करके दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इस लेस को लगा सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखें कि कभी भी लेस लगाते वक्त लेस को अपनी तरफ नहीं खींचना रहता है। इसको जितना हो सके हल्के हाथों से लगाने का प्रयास करें। एक लाइन हमने लगा दिया, अब हम लगाएंगे दूसरी लाइन। तो ये जो दूसरी लाइन है ये बिल्कुल जो निशान हमने लगाया उसी के ऊपर इसको भी फिट करना है। और बिगिनर्स इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से इस डिज़ाइन को बना लेंगे। बिगिनर्स के लिए ही आज का ये डिज़ाइन है। जी देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। तो ये दो लाइन की लेस हमने यहाँ पर लगा दी है। तो ये देख सकते हैं आप इसका लुक। अब बात करते हैं पैच की, जो बीच में पैच वर्क हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए वही कपड़ा लेंगे जिस कपड़े से हमने पाइपिंग लगाया है और वो बकरम जिस पे हमने इस पैच का कटिंग किया उसके बाद ये इस तरीके से हम इसको चिपका लेंगे पूरा। तो ये बकरम के सहारे से ही घूम सकता है या फिर आप मोटे पेपर का इस्तेमाल करेंगे तब बनेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा आप बकरम का यूज़ करें। तो ये हमने एक सिंपल सा पैच बनाया। अब यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उन्हें काट करके निकाल देना है ये इस प्रकार से। और चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं लेकिन बिगिनर्स को पाइपिंग लगाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी इसलिए मैंने इसमें पाइपिंग नहीं बताया, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बता दिए हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पाइपिंग की जगह पर इसमें लगा सकते हैं लेस। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर लेस लगा लेंगे। और यहाँ पर लेस को थोड़ा सा सावधानी से लगाएं क्योंकि ये राउंड वाला हिस्सा लेस लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसको धीरे धीरे लगाएंगे तो ये लग जाएगा अच्छे से। ब्लाउज डिज़ाइन से रिलेटेड हमारे चैनल पे आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं और अभी लगातार मैं ब्लाउज डिज़ाइन से बता रहा हूँ तो आप लोग हमारे सभी वीडियोज़ को वॉच कीजिए। चैनल पर बताए गए डिज़ाइन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये इस प्रकार से आप इसको पूरा बना करके चिपका सकते हैं।
बिगिनर्स के लिए इससे सरल डिज़ाइन बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो बैक साइड है इसमें आप इस प्रकार से जब इसको अटैच कर देंगे तो इस डिज़ाइन का जो लुक है वो बढ़ जाएगा। और बीच में हम एक बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। केवल एक सिलाई से इसको चिपकाना है। चिपकाने के बाद हम इसमें एक बटन लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पर एक फैंसी बटन लगा सकते हैं या फिर कपड़े का बना करके लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से लगेगा। तो यही है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। बिगिनर्स इसको हंसते खेलते हुए बना सकते हैं। बहुत ही आसान ये डिज़ाइन था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको देखने को हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।